एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई आज हम बात करने वाले आपसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। डिटेल में हम बात करेंगे, मतलब मेनली मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, लाइक आप सभी को पता होगा एबीएम के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका आचार्य एन सी रंगा हो गया, आचार्य नरेंद्र हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सभी के अपन हाईएस्ट पैकेजेस जानेंगे, ठीक है, कि हाईएस्ट पैकेज कितना लगा है और लोएस्ट पैकेज कितना लगा है और कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। लाइक जैसे नवशारी का क्या हो गया, प्रोफेसर जयशंकर क्या इसमें एडमिशन लेना बेटर है, एबीएम के लिए क्या स्कोप है, ठीक है, शेर ए कश्मीर, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो पर्सनली, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों के, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार मेरे भाई। तो देखो सबसे फर्स्ट पे हम बात करेंगे यहाँ पे आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश की आपकी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। एबीएम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी टोटल यहाँ पे 6 सीट इसमें अवेलेबल है एबीएम के लिए। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर जो है अभी कोर्सेज चल रहा है पीजी में, ठीक है, एबीएम बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। तो देखो मिनिमम पैकेज यहाँ पे 2 से 3 लाख का लगता है, मिनिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आपका 5 से 6 लाख तब भी यहाँ पे जो है एलपीए गया हुआ है, ठीक है, आचार्य एन जी रंगा का। मैं ऑफिशियल साइट पर आपको दिखाऊं तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो जो कंपनी यहाँ पे रिक्रूट करती है स्टूडेंट्स को, तो सब कुछ इन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट है उस पर मेंशन किया है। देखो कोरोमंडल कंपनी में भी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एबीएम जिन्होंने किया हुआ है वो पूरी मेंशन किया हुआ, जिस जिस कंपनी में इनको रिक्रूट किया गया है, बिग बास्केट करके आपकी कंपनी है टाटा एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें इनको स्टूडेंट्स को लिया गया है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपकी प्लेसमेंट 2020 में बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनका किस किस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, रिक्रूट किया गया, आईटीसी है, ठीक है, पीआई इंडस्ट्रीज एलटीडी करके है, मतलब यहाँ पे सब चीज मेंशन की आप देख सकते हो, एवरेज सीटीसी, मीडियम सीटीसी एंड हाईएस्ट सीटीसी। यहाँ पे इन्होंने 8 लाख मेंशन किया है, 8 लाख के आसपास, ठीक है, 6 लाख और एवरेज लेवल लिखा हुआ है 5.5 एलपीए, ठीक है। तो ऑफिशियल साइट पर आप देख सकते हो, बाकी एवरेज जो मैंने बताया वो एवरेज पैकेज है, इतना ही लगता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप चेकआउट कर लेने की ऑफिशियल साइट्स पर आचार्य एन जी रंगा कैसा है एबीएम के लिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले आपका यहाँ पे पीजी से 28 स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था। नेक्स्ट अब आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 2 लाख एलपीए और मैक्सिमम पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे 5 लाख मैक्सिमम लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव से। और 2019 में आपका 81 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्टेड हुआ था। एबीएम के लिए फिलहाल देखा जाए तो 21 आपकी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव में। बाकी आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्लेसमेंट सेल में जाओगे तो कुछ इतना इन्होंने खास नहीं दिया हुआ है प्लेसमेंट के बारे में, मेनली इन्होंने ये बताया हुआ कि करियर ओरिएंटेशन वर्कशॉप ब्रोकअप वगैरह जिनके यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम चलते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई है, ज़्यादा कुछ प्लेसमेंट के बारे में नहीं बताया। तो भाई आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर देख सकते हो, बट मिनिमम इतना ही लगता है यहाँ पे आपका अगर आपने एबीएम किया हुआ है तो। प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी आती है स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, ठीक है, आप सभी को पता होगा फर्टिलाइजर सीड वगैरह की बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, जिसको आपको पता है एएमयू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मिनिमम पैकेज आपका 4 से 6 लाख और मैक्सिमम यहाँ पे 8 लाख तक है, बाकी ये लोग अपना पैकेज यहाँ पे 14 लाख तक भी बताते हैं, तो वो अदर अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, मेनली आपका एबीएम का नहीं होता, मैं पर्टिकुलर यहाँ पे एबीएम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम पैकेज 4 से 6 लाख के आसपास, मैक्सिमम 8 लाख के आसपास यहाँ पे लगा हुआ है। टोटल यहाँ पे 6 सीट्स आपकी अवेलेबल है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। आप इनके ऑफिशियल साइट्स पर भी विजिट करोगे तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी ऑफिशियल साइट्स पर, देखो आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट्स है। आप यहाँ पे डिफरेंट इनके इन्फॉर्मेशन बूचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2021-22 का 22-23 का अलग अलग इन्फॉर्मेशन बूचर्स है, तो आप देखना भाई यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन बूचर्स में अलग अलग कंपनीज का नाम भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो ये कंपनी इनके यहाँ प्लेसमेंट करती है फाइनेंस मार्केटिंग, ठीक है, अलग अलग कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनीज भी है। बाकी आप देखो जैसे कि आपका कोटक हो गया, एक्सेस हो गया, आईटीसी हो गया, बर्जर हो गया, बायजू हो गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं जो पीजी करते हैं, ठीक है, मेनली आप चेकआउट कर लेने की साइट पर, इतना ज्यादा यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले यहाँ पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो कि आप सभी को पता है गुजरात में स्थित है, ये एबीएम की आपकी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है, अच्छा खासा पैकेज भी यहाँ पे लगता है। एबीएम के लिए टोटल यहाँ पे 10 सीट आपकी अवेलेबल है, ठीक है, और आप यहाँ पे आईसीआर जो आपका एग्जाम होता है पीजी का वहां से आप जा सकते हो, आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपको अलॉट होते हैं यूनिवर्सिटीज,
तो अगर मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे इनकी ऑफिशियल साइट्स पर, तो आप लोग इनकी जो ऑफिशियल साइट्स पर जाओगे तो इन्फॉर्मेशन बूचर्स इन्होंने दे रखा है, इंटरनेशनल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आप विजिट करोगे, सब कुछ मेंशन है आपका इसमें, ऑल डिटेल कौन कौन सी कंपनी रिक्रूट किया हुआ है वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते, देखो ये कंपनी यहाँ पे आती है, स्टूडेंट्स को लेके जाती है, मेरे भाई जियो हो गया आपका, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, आपको पता है जियो भी बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इनका नाम है, और नाबार्ड भी है आपका, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है डिफरेंट डिफरेंट, और बैचेस भी दे रखे हैं 2021 से 23 तक का बैचेस में बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर रखी है, मेल फीमेल का रेशो, वो आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है, सब कुछ है, आप एक बार इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल साइट्स पर आपको मिल जाएगा कितना कितना रिक्रूट किया है क्या है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आप देख सकते हो इनकी ऑफिशियल साइट्स पर जो है वो आपको मैंने बता दिया है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है, आप जा सकते हो आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि मेनली डेयरी वगैरह में यहाँ पे रिक्रूट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप, ठीक है, बिल्कुल आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, इसमें चूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले आपका CAU मणिपुर, ठीक है, आप सभी को पता है ओनली यहाँ पे 1 सीट है मेरे भाई एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, मिनिमम पैकेज 6.5 लाख के आसपास, मैक्सिमम 8.2 LPA के आसपास लगा हुआ है, ठीक है, 2023 में, तो आप इनके ऑफिशियल साइट्स पर जाओगे भाई मणिपुर की, तो आपको मणिपुर के बारे में देखने को मिल जाएगा। देखो आपको ऑफिशियल साइट्स इनकी दिखाता हूँ मैं क्या है, ऑफिशियल साइट्स पर देख सकते हो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी इम्फाल में है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने अपनी साइट्स पर दे नहीं रखा है मेरे भाई प्लेसमेंट के बारे में, ऐसा कुछ नहीं बताया डिटेल में, ठीक है, तो बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में ना तो किसी साइट्स पर दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जिनमें ऑथेंटिक जानकारी मेंशन नहीं की गई है, उल्टा सीधा जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी यार आप देख सकते हो उनकी ऑफिशियल साइट्स पर आपका जो है मेनली रिक्रूट कौन कौन सी कंपनीज वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रीफ में नहीं बताया, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करूँ तो नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आती है मेरे भाई जो है चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, यहाँ पे भी ABM के लिए आपकी टोटल 18 सीट्स हैं जिनमें मिनिमम पैकेज आपका 6 से 9 लाख तक का लगता है, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद आपका जो कि मेनली कानपुर में है, ठीक है, ये भी आपका ABM करवाती है और 18 सीट्स इसमें अवेलेबल है। तो देखो मेनली मैं बात करूँ आपका इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद की आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है इन्होंने प्लेसमेंट के बारे में भी आपका जो है मेनली यहाँ पे कंपनी जो विजिट करती है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर यहाँ पे डिटेल में डाल रखा है इन्होंने, कैंपस प्लेसमेंट 2024 कौन कौन सी कंपनी है विजिट किया है, अडानी आप देख सकते हो, HDFC देख सकते हो, ठीक है, यारा फर्टिलाइजर कौन कौन से स्टूडेंट रिक्रूट हुए हैं वो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। मेनली आप देखो जूम करके देखोगे यारा फर्टिलाइजर है जिसमें आपका ABM का स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, जिसमें 7 से 9 टाइम का CTC इन्होंने बताया हुआ है, 7 से 9 लाख तक का CTC मेरे भाई, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, CSA से अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, 7 से 9 लाख है ना, और लोकेशन आपका पैन इंडिया वगैरह वो सब चीज़ें मेंशन कर रखी है इन्होंने, तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग डाटा मेंशन है यहाँ पे, कृषक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड भी है आपका, IDBI बैंक में भी है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल क्रॉप्स प्रोटेक्शन आपका जो यहाँ पे जिसको भी आप खोल के देखोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे पोस्ट निकली, तो बहुत सारी यारा फर्टिलाइजर है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी यहाँ पे प्लेसमेंट हुई है 2024 में 2023 में, पूरा डाटा इन्होंने साइट्स पर मेंशन किया हुआ है, तो एक बार विजिट करके देख लेना चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे प्लेसमेंट होते हैं, वो सब कुछ आपको इनकी साइट्स पर दिख जाएगा, ठीक है, मैंने आपको 7 से 9 लाख तक का तो बता ही दिया है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा में है, ठीक है, हिसार हरियाणा, जो कि आपकी एग्रीकल्चर की टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ में आती है, आप चेकआउट करके देख लेना, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। ABM के लिए टोटल यहाँ पे 8 आपकी सीट्स अवेलेबल हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, बाकी आप देखोगे तो इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आपको डाटा मिल जाएगा, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट वगैरह से इन्फॉर्मेशन बूचर्स ने रिलीज किया था उसमें बताया हुआ है भाई, डिटेल में आप देख लेना इनकी साइट्स पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रॉल करके देखते भाई कौन कौन सी कंपनीज जो है यहाँ पे विजिट करती हैं आपकी, वही सारी कोटक वगैरह से रिलेटेड कंपनियाँ होंगी मेरे भाई, ठीक है, मुझे लगता है जहाँ तक वही कंपनी सारी होंगी, अब ये ओपन हो जाए बस, ठीक है, इसमें क्योंकि सब कुछ मेंशन रहेगा आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स में, बाकी आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ है, देखो ये मेनली आपका ओपन हो जाए तो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है, बाकी आप देखोगे एक चौधरी चरण सिंह का आपका प्लेसमेंट का एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बूचर्स है 2018 से 2019 का बायोडाटा इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हो, नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे स्टूडेंट का फीडबैक आपको मिल जाएंगे, कौन से स्टूडेंट्स किस में ग्रेजुएट किया है, कहाँ पे उसका प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा PDF में, और आप एक बार देख लेना मेरे भाई डिटेल में, ठीक है,
क्योंकि आपको पर्टिकुलर एक एक स्टूडेंट्स का नहीं बता पाऊंगा, बट आप इसको एक बार देख लेना, मैं नहीं होगा तो आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप विजिट होकर देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्लेसमेंट सेल में ना आपका पर्टिकुलर, देखो ये कंपनीज तो मैंने बताया था आपको कौन कौन सी कंपनी आती है, हरवल वगैरह की, टैफे, ठीक है, महिंद्रा, उषा, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SDFC, अडानी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी यहाँ पर रिक्रूट करने आती है, ठीक है, मेन कैंपस में आती है, रिक्रूट करती हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। और स्टूडेंट के फीडबैक वगैरह भी सब कुछ है उसमें, आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हिसार का आखिरकार है। देखो ये लिस्ट आप देख सकते हो, कैंपस प्लेसमेंट में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है, नाबार्ड, SDFC, स्टैंडर्ड, ICICI बैंक हो गया आपका, बहुत सारा सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हो लिस्ट, है ना। और यहाँ पे जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट 2021-22 का जो है वो भी पूरा बायोडाटा मेंशन किया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, मेरे भाई सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँ, तो नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटीज आती है यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो टॉप नंबर पे आती है प्लेसमेंट के मामले में भाई, आप इसका रेशो भी देख सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा बिहार में है, ABM के लिए 51 हाईएस्ट सीट्स आपकी सबसे ज़्यादा इसी में अवेलेबल है, 51 टोटल सीट्स है, बहुत अच्छा कैंपस प्लेसमेंट है इसका, मे बी आप इसी यूनिवर्सिटी को चूज करो भाई, ठीक है, जो भी अगर ABM करना चाह रहा हो गवर्नमेंट से, तो ये अच्छी यूनिवर्सिटीज है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में है, ठीक है, 51 टोटल सीट्स से आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर देखोगे तो आपको डाटा मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। इनने आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर्स भी निकाला था, फिलहाल में आप चेकआउट करोगे तो कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट के लिए ये स्टूडेंट्स आपके जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सेलेक्ट हुए हैं वो आप देख सकते हो, कौन कौन सी कंपनी में कहाँ पे फिलहाल में अभी पोस्टेड है, वो UPL मुंबई में है, एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है सोनू तिवारी करके स्टूडेंट्स हैं, सोनिया तिवारी सॉरी, रोहित सिन्हा करके भी है, मदर डेयरी में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये कैंपस प्लेसमेंट यहाँ से होते हैं और ये कंपनीज आपके रिक्रूट करती है, आदित्य बिड़ला हो गया, ठीक है, विवेक्स हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है मेरे भाई जो यहाँ पे लेती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो कि डाटा किस स्टूडेंट का कहाँ पे यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। मैनेजमेंट में आप देखोगे यहाँ पे 20 बॉयज गर्ल्स का 13, टोटल 33 स्टूडेंट का जो है यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है, और टोटली आप इनकी वेबसाइट पर सब कुछ मेंशन है, तो आप चेकआउट कर लेना, बाकी बहुत बेस्ट है ये आपके प्लेसमेंट के लिए, तो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी जो कि आपकी नौनी सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में, मिनिमम 2 से 3 लाख, मैक्सिमम 4 से 5 लाख यहाँ पे आपको LPA मिलता है, बाकी 3 सीट्स इसमें अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ इनकी साइट्स पर आपको मिलेगा नहीं देखने को, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ठीक ठाक बोल सकते हो आप यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले आपकी यूनिवर्सिटी आती है इंदिरा गांधी जो कि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है, ये भी आपकी उसमें अवेलेबल है, तो पैकेज की बात करूँ तो 4 से 5 लाख प्लस इंटर्नशिप आपको यहाँ पे मिलती है, इंटर्नशिप है ना इंदिरा गांधी, टोटल यहाँ पे 6 सीट्स आपकी अवेलेबल है ABM के लिए, आप चेकआउट करोगे ऑफिशियल साइट्स पर तो आपको ये डाटा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो इनकी ऑफिशियल साइट्स क्या बोलती है तो आप लोग इनकी साइट्स पर देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी यहाँ पे आई है और रिक्रूट किया हुआ है स्टूडेंट्स को, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफिसर के पदों पर बहुत सारी कंपनीज है आपकी, प्राइवेट भी बहुत मेंशन है, देख लेना मेरे भाई 2023-24 में जितने स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है प्लेसमेंट नोटिस में, आप चेकआउट कर सकते हो इसको डाउनलोड करके एक बार देख लेना, ठीक है, उसमें आपको बता देंगे भाई कौन कौन सी कंपनी जो कि आपकी यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो सैलरी वगैरह वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ABM का भी आप देख लेना, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इनकी ऑफिशियल साइट्स पर बहुत सारे नोटिस पड़े मेरे भाई, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बट एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपकी जबलपुर में है, टोटल यहाँ पे सीट्स तो इन्होंने मेंशन नहीं किए कितनी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट स्टेट लेवल पे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिया जाता है, ठीक है। और मिनिमम पैकेज की बात करूँ तो 3 से 4 लाख और मैक्सिमम 5 से 6 लाख यहाँ पे लगता है JNKBB का, ऐसा ही है सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का एवरेज 5 लाख 3 लाख 5 लाख 3 लाख, ठीक है। बाकी देखो इसके ऑफिशियल साइट्स पर आपको दिखा दूँ क्या डाटा इन्होंने दे रखा है, JNKBB की जो ऑफिशियल साइट्स है उस पर आप जाओगे तो प्लेसमेंट से रिलेटेड आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। JNKBB की जो साइट्स है उस पर आप देखोगे कैंपस प्लेसमेंट ABM का, तो आपको ये डाटा निकल के आता है भाई आपका 2015-21-22 में महिंद्रा स्वराज वगैरह में सिर्फ एक रिक्रूट किया गया है, नेटा फिल्म करके कंपनी है जिसमें एक स्टूडेंट को 2022 में सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट में देख लो आप, वो इन्होंने पूरी कंपनी के नाम और सब कुछ बायोडाटा अपनी ऑफिशियल साइट्स पर, ट्रैक्टर की फार्मेसी की भी कंपनी है मेरे भाई न्यू हॉलैंड, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है जिनमें स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया गया है, तो आप देख सकते हो इनकी साइट्स पर, ठीक है, आपको मिल जाएगा जो भी रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं बट ठीक है, ओके, है ना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं अब वो फीस के हिसाब से भी, तो वो सारी चीज़ें, बाकी जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
ये ना प्लेसमेंट और कंपनी का आना यूनिवर्सिटी की इमेज पर भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है, लाइक एजुकेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो कि आपकी गुजरात में है, इसका मिनिमम 3.5 से 4 LPA के आसपास, मैक्सिमम 6.5 LPA के आसपास है। टोटल आपकी इसमें 12 सीट्स अवेलेबल है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में है, ठीक है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल साइट्स पर आप जाओगे तो ऑफिशियल साइट्स पर आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके प्लेसमेंट से रिलेटेड इन्होंने जानकारी दे रखी है बट इतना ज़्यादा इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट आप देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आती है, वो आप एक बार देख लेना। 2022-23 में यूजी में और पीजी में, पीएचडी में क्या क्या रहा है वो आप देख सकते हो, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी रिक्रूट करने के लिए आई है वो आप एक बार चेकआउट कर लेना की ऑफिशियल साइट्स पर, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको इफको वगैरह, इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड हो गया, टैफे चेन्नई, ये कंपनी रिक्रूट करके लेके जाती है, वही आपका 30-35 हज़ार के महीने पे लेके जाती है, ठीक है, सबको पता है यार, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कोई ये करोड़ तो लेके जाएगा नहीं किसी स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो प्राइवेट में होता है जो कि अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज है, वहाँ पे फीस भी बहुत होती है मेरे भाई, तो बिल्कुल एक करोड़ के पैकेज पे भी जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि तिरसी केरला में है, मिनिमम पैकेज 4.5 से 5 लाख के आसपास और मैक्सिमम बात करूँ तो 5 से 5.5 LPA के आसपास लगता है। टोटल ABM में 5 सीट्स इसमें अवेलेबल है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आप इनकी साइट्स पर जाओगे तो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, बट आप थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकते हो क्योंकि इन्होंने इतना कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है अपनी ऑफिशियल साइट्स पर, ठीक है, वही सिंपल चीज़ें डाल रखी है, फीस वगैरह क्या है, इंस्ट्रक्चर क्या है, वो अपने को ज़्यादा इनकी साइट्स पर अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो एक बार आप लोग बेसिकली चेकआउट कर सकते हो इनकी साइट्स पर, ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे टैब ओपन हो रखे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है साइट्स को देखने में, ठीक है, बाकी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले अगली यूनिवर्सिटीज़ कौन थी आपकी, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। भाई बहुत यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत होते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में टोटल 11 सीट्स अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप इसमें एक बार चेकआउट करके देख लेना 2022-23 और 23-24 का यहाँ पे दे रखा है पूरा डिटेल में प्लेसमेंट। 2023 की पूरी रिपोर्ट है भाई कि BSc एग्रीकल्चर, MSc के और ABM के कितने कितने स्टूडेंट्स कितने पैकेज पर गए, मिनिमम सैलरी कितना है, मैक्सिमम सैलरी कितना है, एवरेज सैलरी कितना है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। ये सब कुछ बायोडाटा दे रखा है इन्होंने, ठीक है। आप ABM का लाइक यहाँ पे देखोगे तो वो आपका पूरा इन्होंने बता रखा है, देखो आप हाईएस्ट पैकेज, मिनिमम पैकेज कितना रहा है, तो एक बार इसको चेकआउट कर लेना, मेरा ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कौन कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है मेनली स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है, ठीक है, तो वो देख सकते हो आप, आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये नवसारी का हो गया। नेक्स्ट अपन बात करने वाले आपके अगले कॉलेजेस के बारे में, वो है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। टोटल 5 सीट इसमें अवेलेबल है, मिनिमम पैकेज आपका 3.5 LPA के आसपास है, तो ज़्यादा खास इसका है नहीं, ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है मेरे भाई, बहुत कम लगता है और ज़्यादा कंपनी भी यहाँ पे नहीं आती है। लाइक मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो ये आपकी टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज, आपको ऑलरेडी पता होगा ऑल इंडिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में अच्छी खासी रैंकिंग रखती है, ठीक है, तो पैकेज 6-8 लाख के आसपास लगता है। ABM में आप देखोगे 12 सीट्स इसमें टोटली आपकी अवेलेबल है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में। आप प्लेसमेंट का बूस्टर्स देखोगे तो आपको इसमें डिटेल में पता चलेगा सब कुछ, बायोडाटा इनका पड़ा है, कौन कौन सी कंपनी आती है, ठीक है, सोनालिका वगैरह, आपका CSB, बहुत सारी कंपनी यहाँ पे तो आती है, ठीक है, क्योंकि एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ है, तो नेस्ले हो गया, अमूल हो गया, देखो नेस्ले भी आती है मेरे भाई, अमूल, महिंद्रा, तो ये आपके स्टूडेंट्स को लेके जाती है ABM वगैरह के जो भी करते हैं BSc एग्रीकल्चर के बाद भी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो इनकी साइट्स पर और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स में एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है, बहुत ही रेपुटेटेड और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले आपकी अगली यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, तो मेरे भाई वो है सरदार कुर्शीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जो कि 10 सीट टोटल इसमें अवेलेबल है और 3 से 4 लाख LPA का आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिलेगा, तो ये भी आपकी ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप जाओगे दंतेवाड़ा तो आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स पर भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, दंतेवाड़ा जो इनकी साइट्स है ये है इनकी साइट्स ऑफिशियल, तो प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ इन्होंने नहीं बता रखा है, ठीक है, तो आप नॉर्मली देख ही सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आपकी अगली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, श्री शेर कश्मीर आपकी यूनिवर्सिटी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में है। इसमें ABM की आपकी सीट्स उन्होंने मेंशन नहीं किया कितने डाटा अवेलेबल है, बट ठीक ठाक यहाँ पे भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, ऑफिशियल साइट्स पर ज़्यादा जानकारी नहीं है बट ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है, आप इसको चूज़ कर सकते हो।
अदर देन मैंने बहुत सारी ह्यूमर सीरीज बताई, वो सबसे बेस्ट है, आप उनको प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन स्वामी केशवानंद, राजस्थान एग्रीकल्चर बीकानेर में है, 6 से 7 एलपीए के आसपास आपका यहाँ पे टोटल पैकेज जो है प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट एबीएम की टोटल सीट्स आपकी 16 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, तो स्वामी केशवानंद आप देख सकते हो। स्वामी केशवानंद की ऑफिशियल साइट्स जो आपकी रहेगी वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन की होगी मेरे भाई, तो आपको ऑफिशियल साइट्स पर मैं जाके दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो डाटा अवेलेबल है ये आपको ऑफिशियल साइट्स पर ही मिलेगा, ठीक है, और कहीं आपको डाटा नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए मैं आपको ऑफिशियल साइट रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इनको ही चेकआउट कीजिएगा। दंतेवाड़ा भी हो गया आपका, स्वामी केशवानंद ये राजस्थान में है, तो प्लेसमेंट से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है, आप एक बार देख लेना, मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनकी साइट्स पर आपको ज़्यादा डाटा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो एवरेज प्लेसमेंट आप देख सकते हो वही रहेगा जो भी है, तो इनको भी आप चूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है, इनमें 2 सीट्स आपकी अवेलेबल है, यहाँ पे प्लेसमेंट वही नॉर्मल सा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, लाइक एबीएम की बात करूँ मैं, ठीक है, अदर कोर्सेज में प्लेसमेंट होता है मेरे भाई, बट ठीक है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। आप तमिलनाडु एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज है उसकी साइड पर जाओगे TNU, तो TNU में इन्होंने बता रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम के बारे में, वो सारी चीज़ें बताई हुई है, तो आप चेकआउट कर लेना। और स्टूडेंट्स के जो यहाँ पे जो सेलेक्ट हुए उन्होंने अपना फीडबैक भी दे रखा है, तो एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले अगली यूनिवर्सिटीज कौन सी आपकी, यूनिवर्सिटीज ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड बैंगलोर कर्नाटका में है, प्लेसमेंट पैकेज 7 से 8 लाख के आसपास लगता है, टोटल सीट्स एबीएम के लिए आपकी टोटल 8 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब 8 सीट आपकी टोटल यहाँ पे जो है स्टैंड है, मतलब अपनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी एक और यहाँ पे बाकी देखोगे आप, तो अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि आपका प्लेसमेंट देखो ये आपकी यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने वेबसाइट में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आप चेकआउट करोगे तो कंपनी जो आपकी आती है बेंगलोर में, ठीक है, तो उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि आप किसी भी जैसे IDBI में कोई किसी का सिलेक्शन हुआ 2024 में प्लेसमेंट हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना पैकेज लगा है उसका और किस कंपनी में उसका किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, वो इन्होंने डाटा दे रखा है, तो इनकी साइट्स पर आप एक बार विजिट कर लेना, वो आपको बता देंगे भाई कितना क्या। यहाँ पे फ्रूट से रिलेटेड भी एक कंपनी है, ठीक है, तो ये तो रखा है डाटा, आप एक बार देख लेना आप लोग। ITC वगैरह एग्री बिजनेस डिवीजन करके कंपनी है, बट ये डाटा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट आपकी एक चौधरी चरण सिंह नेशनल यूनिवर्सिटी जो कि आपकी यहाँ पे इसमें भी अच्छा खासा प्लेसमेंट लगता है, 2022 से 24 के बीच में क्या प्लेसमेंट रहा है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटीज का, आप देख सकते हो टोटल, ठीक है, ABM का भी आपको देखने को मिल जाएगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, वो भी आपको पूरी साइट्स में इसमें अवेलेबल है भाई, बहुत कंपनी के नाम मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, एडवांटा वगैरह, कोरोमंडल, वही सारी कंपनी है, टैफे वगैरह, ये कंपनी आपकी विजिट करती हैं अलग अलग जो है सेक्टर में और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, ठीक है, चेकआउट कर लेना, इनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो किस कंपनी में गए हैं और वो सब कुछ डाटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है, इनकी ऑफिशियल साइट्स पर देख लेना मेरे भाई, है ना। बाकी देखो नेक्स्ट आपकी कंपनी की मैं बात करूँ तो अगली आपकी कंपनी जो आती है, मतलब यूनिवर्सिटी जो आती है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज ऑफ साइंस धारवाड़ा कर्नाटका में है, जो कि 2 सीट्स इसमें अवेलेबल है, कुछ खास आपका इसका है नहीं। ICR IBR इज्जत नगर में आपकी टोटल ABM के लिए 10 सीट्स इसमें अवेलेबल है, बट प्लेसमेंट का ज़्यादा कुछ इनकी ऑफिशियल साइट्स पर अपने को नहीं मिला है देखने को, ठीक है, तो आप एक बार विजिट करके देख लेना मेरे भाई, जो जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने बता दिया, कौन कौन सी कंपनी, वही सेम सारी कंपनी है जहाँ पे विजिट करती है, बट पैकेज थोड़ा सा कम लगता है, कहीं का ज़्यादा लगता है, ऑन एवरेज 5 लाख 8 लाख के बीच वही ऑन एवरेज पैकेज है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसे लगी मेरे कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।